शुक्रिया आनंद। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और बीते कुछ दिनों से मामले लगातार कम भी होते जा रहे हैं। हालात सुधर रहे हैं, लेकिन सुधार के इस दौर में कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है जो डराती हैं। कोरोना से बचने के लिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोरोना कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करें। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये डराने वाली, दो राज्यों के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं जो ना सिर्फ हमें डराती है बल्कि लोगों को सोचने पर और समझने पर भी मजबूर करती है, उनकी हरकत पर सवाल खड़े करती है। पहली तस्वीर तो जयपुर की है, जहां एक काजी के जनाजे में हजारों की भीड़ जुटी। शहर के एक बड़े हिस्से में हजारों की ये भीड़ गुजरती रही। इस दौरान कोरोना नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की। लॉकडाउन के बीच जुटी इस भीड़ को समझाने के लिए पुलिस पहुंची और इन लोगों ने पुलिस के जवानों को ही घेर लिया। कोरोना के खतरे के बीच ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। क्या कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की, प्रशासन की, पुलिस महकमे की है? क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कोरोना नियमों का पालन करें और अपने साथ दूसरों को भी इस महामारी से बचाएं? लोगों की यह हरकत ऐसे कई सवाल खड़े करती है। कई राज्यों में कोरोना का खतरा अब टला नहीं है, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ने लगी है। कोरोना काल में जयपुर से डराने वाली ये जो तस्वीर सामने आई, जहां काजी के जनाजे में हजारों की भीड़ जुट गई। जयपुर कोरोना के खतरे के बीच भीड़ की ये तस्वीरें डराने वाली है। और यह हाल तब है जब जयपुर में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहां कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगाई गई है, उसके बावजूद हजारों की तादाद में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो गए। 31 मई की यह तस्वीर बताई जा रही है, जब काजी की मौत के बाद उनका जनाजा निकला तो जयपुर में पुलिस की मौजूदगी में लॉकडाउन के ये सारे नियम तोड़े गए। खास बात यह भी है कि जिस काजी ने अपनी आखिरी सांस तक लोगों को सिर्फ यही संदेश दिया कि आप कोरोना नियमों का पालन करें, आपके आपके परिवार की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है, लोग उनके अंतिम शब्दों पर भी गौर करने को तैयार नहीं उनकी अंतिम यात्रा में। जनाजे में जुटे कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि काजी की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में उनके विदाई देने के लिए हजारों की भीड़ जुट गई। पुलिस वाले उन्हें समझाते रहे कि ऐसा करना मुनासिब नहीं, लेकिन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। लोग जहां जहां से ये जनाजा निकलता रहा हजारों की तादाद में जुटते चले। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई सड़कों पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भीड़ में शामिल लोगों ने तो कोरोना के खतरे के बारे में सोचा भी नहीं, शहर में लागू लॉकडाउन की परवाह भी इन लोगों ने नहीं की। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत कीजिए, किसी ने भी यहां मास्क लगाना मुनासिब नहीं समझा। इस दौरान वहां तैनात पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की, कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। जयपुर की यह तस्वीर है जहां जनाजे में हजारों लोग शामिल हो गए, लेकिन सबसे खास बात यह कि दो विधायक भी इसमें शामिल हुए। पुलिस वालों ने कोरोना काल में भीड़ जुटाने के आरोप में एक विधायक समेत 11 के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। और अब से कुछ देर पहले ही ऐसे ही एक आरोपी विधायक जो इसमें शामिल हुए, रफीक खान से हमने बात की और उनकी जिम्मेदारियों पर सवाल भी किए। इससे भी चिंतन करेंगे। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये वो शख्सियत थी जिनसे हम अपील कराते थे, बिल्कुल, जो खुद अपील करते थे और खुद रुक जाते थे, लोगों को मना करते थे, बिल्कुल। तो लोग जिनकी मानते थे, लोगों के इमोशंस जो जिसकी एक आवाज में लोग रुक जाते थे, उस आदमी के प्रति इमोशंस थे लोगों के, और लोग घरों से निकल के इस उसमें आ गए कि एक कंधा दे के चले जाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि वहां से लोग चले, जब वो रस्ते में गए तो रस्ते में भी लोग मिल गए। मैं आगे आगे अकेला गाड़ी लेके गया, वहां से मैं निकल गया पहले, और मैं आगे जहां दफन करना था वहां तक जब मैं गया तो रस्ते में भी लोग बाग थे, बिल्कुल। मैंने रस्ते में भी लोगों को गाड़ी से उतर के समझाया कि भी अपने को भीड़ नहीं करनी है। वहीं इस पूरे मामले में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत सरकार पर सीधे तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। मंत्री के पिताजी के जनाजे में लोग इकट्ठे हों और दूसरी तरफ सुंदरकांड का पाठ करने वाले किसी पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कल जो दृश्य जयपुर की सड़कों पर दिखा
हिदायत है 20 लोगों की, लेकिन 15,000 लोग इसमें शरीक थे। तो मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया और सरकार के देखने का नजरिया जब तुष्टीकरण का होगा तो इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन स्वाभाविक था। राजस्थान के गृह मंत्री में अभी भी गैरत है तो राजस्थान की जनता की जान बचाने के लिए इसकी अनुपालना सुनिश्चित करे। पुलिस के मुताबिक परिवार को समझाने के बावजूद भीड़ जुट गई, लेकिन अब दोषियों पर कार्रवाई की बात भी पुलिस वाले कर रहे हैं। हमने परिवार वालों को समझाइश कर दी थी और अन्य प्लेटफॉर्म से जैसे सोशल मीडिया है, CLG है, सबको बताया था कि जो राज्य सरकार का निर्देश है उसके अनुरूप ही जनाजे निकाले जाएंगे। इसके बावजूद भी भीड़ कुछ लोगों के बहकाने से आ गई है और भीड़ का शक्ल में वो लोग वहाँ चले गए, तो हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई करेंगे। और नियम तोड़ने वालों में वहां विधायक भी शामिल थे और अब उन पर कार्रवाई हो रही है, जो होनी भी चाहिए। ऐसी ही कार्रवाई महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है। महाराष्ट्र में कोरोना नियम तोड़ने पर बीजेपी विधायक समेत 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें विधायक के रिश्तेदार भी शामिल हैं। दरअसल पिंपरी चिंचवड़ के विधायक पर आरोप लगा कि बेटी की शादी में रस्म अदायगी के दौरान उन्होंने भीड़ जुटा ली। आरोप के मुताबिक विधायक ने बैंड बाजे वालों को भी बुलवाया और रस्म अदायगी के दौरान नियमों को ताक पर रख दिया और तमाम रिश्तेदारों के साथ कोरोना नियमों की परवाह किए बगैर हल्दी का कार्यक्रम आयोजित। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जब बात कानून कायदों की हो तो ये संदेश जाना भी चाहिए कि कानून के आगे हर खासो आम बराबर हैं। क्या ऐसा उदाहरण यहां पिंपरी चिंचवड़ में पुणे के नजदीक देखने को मिल रहा है जहां बीजेपी विधायक पर कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, बीजेपी विधायक के खिलाफ जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है उससे ये साफ है कि जो पुलिस पर कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि उन्हें नॉर्मल मास्क के लिए फाइन मारा गया या दूसरी चीज़ों के लिए फाइन मारा गया, लेकिन वो खास आदमी यानी जो रसूखदार आदमी है उस पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन इस तरीके की घटना जो बीजेपी विधायक या उनसे जुड़े तमाम सारे 50-60 लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और ना केवल वो महामारी एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं बल्कि उसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें धारा 144 सहित दूसरी चीज़ों का उल्लंघन बताते हुए मामले दर्ज किए गए हैं, उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस एक उदाहरण पेश करने की कोशिश करी है कि सभी उसकी नज़र में बराबर है, क्योंकि पुणे एक हॉटस्पॉट रहा है और ख़ास करके मुंबई के बाद पुणे में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए थे और ऐसे में वहां पर इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करना ये कहीं ना कहीं सही नहीं था। लोगों के बीच में भी एक मैसेज गलत था जिसको लेकर के पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई करते हुए उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है प्रशांत, और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस तरह की लापरवाही ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही हुई हो, बिहार से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में तो लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस की टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो पुलिस से मारपीट की और आरोप ये भी है कि पुलिस से हथियार तक छीनने की यहां कोशिश की गई है। मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद हमलावरों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जब समय के बावजूद कुछ दुकानें खुली थी तो उन्हें बंद करवाने के लिए यहां पुलिस वाले पहुंचे तो लोगों की भीड़ ने इन पुलिस वालों को ही घेर लिया, इनके साथ मारपीट की और लगातार आवाज आती रही कि इन्हें और पीटा जाए। बिहार में सिर्फ एक शहर में ही ऐसा देखने को नहीं मिला, गोपालगंज में भी कुछ ऐसी ही हरकत लोगों ने की जहां लॉकडाउन की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए यहां एक डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान पिस्तौल से हवाई फायरिंग भी हुई। पिस्तौल के साथ डांस करने वाला जिला परिषद का संभावित प्रत्याशी है। आयोजन के दौरान खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर यह कानून तोड़ता दिखाई दिया। ना सिर्फ फायरिंग की गई बल्कि मास्क भी किसी ने यहां नहीं पहना था। लेकिन कुछ ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी हुई। यहां फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 30 मई को शादी के दौरान फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें अपनी शादी की खुशी में दुल्हन जयमाल से पहले ही हवा में गोली चलाती हुई दिखाई दी। पहले वो करीबों के साथ मंच तक पहुंची और इसके बाद दूल्हे ने उनका बायां हाथ थामा
तो दाएं हाथ में बंदूक थामकर उसे लहराते हुए दुल्हन ने हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक उनके चाचा के रिवॉल्वर से दुल्हन ने यह फायरिंग की। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई अब शुरू कर दी। लेकिन यहां कोरोना के मरीजों में कमी आने लगी और इसके बाद राज्यों ने लॉकडाउन में थोड़ी राहत देनी शुरू कर दी है। और ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं, जहां बीएमसी ने भी मुंबई में कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी है। पहली तस्वीर में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। यहां 600 से कम केस वाले जिलों में ऐसे 64 जिले हैं जहां लॉकडाउन में राहत दी गई है। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन की पाबंदियों में राहत दी गई है। और चौथी तस्वीर है राजस्थान की, जहां 2 जून से लॉकडाउन में राहत देने का फैसला किया गया है। पांचवी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां कम एक्टिव केस पाए जाने वाले 18 जिलों में लॉकडाउन में अब एक एक कर रियायत दी जा रही है। और मुंबई में तो कोरोना मरीजों की तादाद में अब काफी कमी देखी जा रही है, और इसीलिए बीएमसी ने एक लंबे वक्त से चल रही सख्ती में कुछ ढील देने का फैसला किया है। आज से दुकानों के खुलने का समय और ज्यादा बढ़ाया गया है। बीएमसी की तरफ से जारी इस नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे हफ्ते अब जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को सुबह 7 बजे से दिन के 2 बजे तक खुले रखने की इजाजत है। ये दुकानें ऑड इवन तरीके से खोली जाएंगी, यानी एक दिन सड़क के दाईं ओर की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन सड़क के बाईं तरफ की दुकानें। शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत है। बीएमसी ने दुकानदारों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और भीड़ ना जुटाने के भी सख्त निर्देश दिए। ब्रेक द चेन के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कई दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी है। बीएमसी ने भी व्यापारियों को ध्यान में रखकर दुकान खोलने की परमिशन दी है। ऑड एंड इवन फॉर्मूला को अपनाया जाएगा मुंबई में। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि आखिरकार व्यापारी लोग को कंफ्यूज है कि कौन सी दुकान किस दिन खोलनी है, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस समय हम मुंबई के मलाड वेस्ट मार्केट में खड़े हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मेरे दोनों साइड दुकानें खुली हुई हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी दुकानें खुली हुई हैं, राइट हैंड साइड भी दुकानें खुली हुई हैं। इसमें व्यापारी कंफ्यूज हैं कि आखिरकार जो बीएमसी की गाइडलाइन है ऑड एंड इवन वाली, उसको किस तरह से फॉलो की जाए और कब दुकान खोली जाए। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं। सर, जो बीएमसी ने बोला कि ऑड एंड इवन के हिसाब से दुकान खुलनी चाहिए, तो कंफ्यूजन को लेकर क्या बात है? यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाजू पहले खुलेगा कि वो बाजू पहले खुलेगा। ये बोलते हैं एक बाजू, वो फिर मैडम आके और डंडे मारती है। हाँ। इसका मतलब क्या? या तो फिर एक बाजू, या तो फिर दोनों बाजू खोलो एक बार। हाँ। नहीं तो फिर ये दोनों बाजू बंद रहने दो। Exactly. सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। तो फिर अभी जो बीएमसी ने बोला है ऑड एंड इवन, तो इसको लेकर आप लोगों ने बीएमसी से अप्रोच किया कि दुकान खोलनी कब है आपको? आपका आपका दुकान टर्न खोलने कब है? हम हमारी मर्जी से ही खोला है। बोले आज ये बाजू का टाइम है, कल वो बाजू का टाइम है, ऐसा बोलते हैं। क्लैरिटी कुछ नहीं है? क्लैरिटी कुछ भी नहीं। तो इसमें कंफ्यूजन तो बहुत होगा। बहुत कंफ्यूजन है, खोले नहीं खोले। खोले तो मैडम आती है, बंद करो पुलिस वाले। तो इस हिसाब से हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। क्लैरिटी दी है कि आपकी दुकान कब खुलेगी, किस दिन बंद रहेगी, ऑड एंड इवन कैसे फॉलो करेंगे? अभी कोई आया नहीं बोलने के लिए। बोलने के लिए नहीं आया कि कौन सी दुकान खोल रही है, ये पता नहीं है अभी? अभी कोई कुछ नहीं किया। लेकिन बीएमसी तो बोलेगी बोलेगा नहीं, तो 2 से 7 बजे तक खोले देंगे। क्या बोले? 2 से 7 तक बोले टाइम। 2 से 7 खुला है, लेकिन ऑड एंड इवन मंगलवार को ये खुले रहेगा। डिक्लेयर नहीं हुए, फाइनल अभी तक किया नहीं है। नहीं खोलेंगे तो कहाँ से बिल बिल कहाँ से भरेंगे, लोन कहाँ से भरेंगे, लाइट बिल कहाँ से भरेंगे, टेलीफोन बिल कहाँ से भरेंगे, घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे? अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक ऑड इवन को लेकर मुंबई में कंफ्यूजन दिख रहा है व्यापारियों में कि किस दिन वो ऑड माने, किस दिन इवन माने, किस दिन दाई ओर की दुकानें खुलेगी, किस दिन बाई ओर की। क्या कोई क्लैरिटी अब आ पाई है, कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है? हाल पूरे मुंबई भर का था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ा है और ये शिकायतें बीएमसी के पास आनी शुरू हुई है, उसके बाद बीएमसी ने
लोकल लेवल पे, वार्ड लेवल पे ये फैसला किया है कि अधिकारी जा कर के वो ये समझाएंगे कि कहाँ पर ऑड और इवन किस तरीके से लागू होगा। यानी अगर आप पूरब की तरफ खड़े होते हैं तो उस समय में आपका जो दायां हाथ होता है वो दाहिना माना जाएगा, और अगर बायां हाथ होता है तो बायां माना जाएगा। यानी एक उन्होंने फार्मूला इस तरीके से डिसाइड किया है और उस फार्मूले को फॉलो करने के लिए कहा है। हालांकि अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जिसको कन्फ्यूज़र दूर किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। और ख़ास करके ऐसे समय में जब कोविड के केसेस ज़्यादा हैं, तो बीएमसी को इस गाइडलाइन को ऑड एंड इवन लागू करने के पहले कम से कम जो अभी बीएमसी एक्शन में है वैसा एक्शन उसको पहले दिखाना चाहिए था, और सभी रोड्स को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई। और जैसे मुंबई में कई जगहों पर पार्किंग को भी ऑड एंड इवन रखा गया है, लेकिन वहाँ पर बाकायदा पहले बोर्ड लगाया गया है कि दिन के इस दिन यहाँ पर रहेगा, दिन के इस दिन यहाँ पर रहेगा। यानी वो कहीं ना कहीं डिसाइडेड होता और वहाँ पर बोर्ड लगा होता। उसी तरीके से अगर ये पहले किया होता तो शायद ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इस तरीके की दिक्कत है। जैसे मार्केट में भीड़ है, इसकी चिंता कल खुद मुख्यमंत्री जब एक कार्यक्रम के दौरान कांदिवली की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं जताई, और उन्होंने कहा कि वो जब वर्षा से निकले और कांदिवली की तरफ तो कई जगहों पर ट्रैफिक देखने को मिला, ऐसा लगा जैसे पूरी तरीके से कर्फ्यू ख़त्म हो गया है, जो नहीं है। यानी उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जताई है। केसेस जरूर कम हुए हैं, लेकिन केसेस कम होते हुए जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करना हो या सरकार के नियम फॉलो करना हो, कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं। उसमें दोनों की लापरवाही है, बीएमसी की भी लापरवाही आप समझ सकते हैं इस तरीके के फैसले करते समय क्लियरिटी ना रखना, और लोगों की लापरवाही है कि अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी है। अभिषेक, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर खुद मुख्यमंत्री सड़क पर उतरने के बाद ये बात महसूस करते हैं कि बेपरवाही से लोग निकल चुके हैं सड़क पर, ट्रैफिक जाम में वो अगर खुद फंस जा रहे हैं, कोई क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं कि इसका कहीं खामियाजा अब ना भुगतना पड़े? बिल्कुल, यही चिंता सरकारों को भी सता रही है, क्योंकि कोरोना के केसेस भले कम हुए हैं लेकिन राज्य के भीतर दो महत्वपूर्ण केसेस में काफ़ी वृद्धि हुई है। एक तो बच्चों में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो सरकार के लिए मुसीबत है। राज्य के भीतर म्यूकरमाइकोसिस के केसेस जो बढ़े हैं वो सरकार के लिए चिंता का विषय है, और ऐसे में सरकार ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके जिस तरीके की ढिलाई देनी थी उसमें कहीं ना कहीं कटौती रखी थी। लेकिन कल देर रात जो सूत्र बता रहे हैं, बीएमसी के अधिकारियों को और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चेकिंग कड़ी करें, और जो लोग इस तरीके से कोरोना के नियम फॉलो नहीं करते हैं, अनावश्यक सड़क पर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरती जाए। बिल्कुल, ये हाल तो है आर्थिक राजधानी मुंबई का, लेकिन राजधानी दिल्ली में किस तरह से तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया। 31 मई से हालांकि पूरे दिल्ली में फैक्ट्रियों को शुरू करने की इजाज़त दी है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम को भी इजाज़त दे दी गई, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी बताया गया है। इसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए किसी भी तरह की कोई ढील दिल्ली में नहीं दी गई है। दिल्ली में लागू लॉकडाउन को ठीक ढंग से पालन करवाने के लिए दिल्ली पुलिस और ज़्यादा सख्त हो गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में वो पहुँच रही है, घरों से बाहर निकले लोगों से पूछताछ की जा रही है कि क्या बहुत ज़रूरी काम से आप बाहर निकले हैं। गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है कि क्या कोरोना नियमों का कहीं उल्लंघन तो नहीं इसमें किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं, गाड़ियों को रोककर किस तरह से उसकी तफ्तीश पड़ताल की जा रही है, वो तस्वीरें भी बेहद अहम है। दिल्ली में अनलॉक शुरू होने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी चौकसी और बढ़ाई और हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उस बाबत दिल्ली पुलिस हर जगहों पर इस तरीके से बैरिकेडिंग करके लगातार चेकिंग कर रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का जवान किस तरीके से बैरिकेडिंग पर खड़ा है, और जो प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियाँ आती हैं उन गाड़ियों को रोक कर यहाँ पर चेक किया जाता है। अब उनसे पूछा जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है, उनके पास मूवमेंट पास है या नहीं है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस प्राइवेट नंबर की कार को यहाँ पर रोका गया है और इनसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, मूवमेंट पास है या नहीं, कहाँ जाना है आपको, वैक्सीनेशन के लिए जाना है। और ये इस बाबत दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि इनका अपॉइंटमेंट है आज का, और इस वजह से जो है इन्हें यहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके की चेकिंग जो है केवल यहाँ पर साउथ एक्स पे ही नहीं हो रही है, बल्कि साउथ एक्स के अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से चेकिंग हो रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं
गाड़ियों की मूवमेंट कम है, लेकिन जितनी भी गाड़ियां जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां आ रही है, कमर्शियल गाड़ियों को यहां पर चेक नहीं किया जा रहा है। जो गाइडलाइन इन्हें दी गई है, प्राइवेट नंबर की गाड़ियों को यहां पर चेक किया जा रहा है। देखिए, एक और गाड़ी को यहां पर रोका गया है, इनसे मूवमेंट पास के बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने बता दिया कि इनके पास मूवमेंट पास है और उसके बाद इन्हें यहां से जाने दिया जा रहा है। तो जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं यहाँ, इस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस के जो जवान जो हैं वो चेक कर रहे हैं। केवल साउथ एक्स में ही नहीं, बल्कि साउथ एक्स के अलावा जितने भी अलग अलग इलाकों में, साउथ दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों में, चाहे वो चिराग दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली, तमाम जगहों पर इस तरीके से बैरिकेटिंग करके यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, ताकि लोग जो हैं अनलॉक का की जो नियम है उस नियम की प्रक्रिया का पालन करें। दिल्ली पुलिस जो है वो डीटीसी बसों को भी रुकवा कर चेक कर रही है कि इन बसों में ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं डीटीसी बस का जो जवान है वो, देखा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग कर रहे हैं? पूरे तरीके से कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग। अगर पैसेंजर एक्स्ट्रा होता है तो आप क्या करते हैं? उतार देते हैं आप? एक्स्ट्रा सवारी नहीं लेते हम लोग, एक्स्ट्रा सवारी नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो जवान है वो डीटीसी बस के अंदर भी जाकर चेक कर रहे हैं, और यानी जो अनलॉक की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का हर कोई पालन कर रहा है कि नहीं, ये चेक किया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस इसी तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर लगातार चेकिंग कर रही है। अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में, उधर उत्तर प्रदेश में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और आज से ही 5 दिन तक दुकानें और बाजार को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रखने की इजाजत दी गई। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों के आने की इजाजत उत्तर प्रदेश में। निजी दफ्तरों को भी कोरोना के नियमों पर सख्त पालन करने की बात कही गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सब्जी मंडी पहले की तरह ही खुली रहेंगी, जबकि रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद ही रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 लोगों को ही जाने की इजाजत है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल, ये बंद ही रहेंगे। जिन शहरों में, जिन जिलों में कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन्हें किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत एक्टिव केस वाले ऐसे 11 जिले हैं जहां फिलहाल कोई छूट नहीं है। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा, और इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज से 64 जिलों में लॉकडाउन से थोड़ी राहत दी जा रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, और बाराबंकी जिले में भी पाबंदियों में इसी तरह की ढील मिली है और लोग बाहर निकले हैं। इसके बाद बाजार पहले की तरह खुले नजर आए। लॉकडाउन में ढील मिली तो कोरोना नियमों का पालन करने की भी बात कही गई, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बगैर मास्क के ही घर से बाहर निकले नजर आए। उन्हें टोकने पर अजीब अजीब किस्म की वो दलीलें देते हैं। उत्तर प्रदेश में 61 जिलों में अनलॉक हो गया है। आप मास्क नहीं लगाए? सुनिए, क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाना चाहिए ना। अरे हाथ में लिए हैं महाराज जी। आप भी मास्क नहीं लगाए हैं? इधर घूमिए हमारी तरफ, इधर इधर इधर। अरे हम लगा लेंगे ना, इधर घूमिए तो लोग घूम गए। मास्क लगाना चाहिए ना, अभी कोविड गया नहीं, कोरोना गया नहीं है। बस अभी हम वहाँ अभी तो अभी मतलब बैंक से निकले हैं ना, इसीलिए तो हाथ लगाइए, अभी खतरा गया नहीं है। देखिए, अभी भी यूपी के 61 जिलों में छूट दी गई है सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं कि हम बैंक गए थे, हम अभी लगा लेंगे। बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें हैं वो बताते हैं कि हम गए थे, लेकिन बहुत लोग अनुपालन इसका नहीं कर रहे हैं। और जबकि सरकार ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू में आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब का प्रयोग करना, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। छूट का मतलब लापरवाही नहीं है, लिहाजा आपको सावधान रहना होगा, तभी सुरक्षित रहेंगे। और ये बात हम सब लोगों को समझनी है कि जो लॉकडाउन में रियायत मिल रही है, कोरोना कर्फ्यू में राहत मिल रही है, वो हमारी अपनी भलाई के लिए, लेकिन हम कोई ऐसी हरकत ना करें कि अपनों की अपनी भी जान जोखिम में डाल लें। और उत्तर प्रदेश की 2 तस्वीरें हम अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो प्रयागराज की है, जहां छूट के बाद लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली है। दूसरी तस्वीर बाराबंकी की है, जहां लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोग बगैर मास्क के ही घरों से बाहर निकल पड़े हैं। रोकने पर, पूछने पर ये अलग अलग तरह की अजीबोगरीब बहाने भी बताते हैं। उधर राजस्थान में 2 जून से लोगों को लॉकडाउन में कुछ राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है, और इसके मुताबिक
राजस्थान में व्यावसायिक गतिविधियों को छूट दी जाएगी। साथ ही साथ खाने पीने के सामान और किराने की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। इतना ही नहीं, बेकरी और रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की भी इजाज़त होगी, लेकिन लोग रात 10 बजे तक ही इसकी सुविधा ले पाएंगे। वहीं राज्य में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। कोरोना के मामले कम होने पर उधर मध्य प्रदेश में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। आज से मध्य प्रदेश में राशन, दूध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों पर एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जरूरी सेवाओं के दफ्तरों को छोड़कर दूसरे सरकारी दफ्तरों में 100% अधिकारी और 50% कर्मचारियों के साथ ही मौजूदगी हो सकती है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही जाने की इजाजत है। ऑटो में 2 और निजी कार में 3 लोगों को सफर करने की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर 6 लोगों से ज्यादा को एकजुट होकर इकट्ठे होने की पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। कई जगह मध्य प्रदेश में वहां के मंत्री भी हाथ में लाउडस्पीकर लेकर लोगों को सचेत करते नजर आ रहे हैं कि रियायत तो मिल रही है लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए आपकी, हमारी, हम सब की बड़ी जिम्मेदारी इस कोरोना कर्फ्यू में कि हम नियमों का पालन जरूर करें। जगह जगह गोले बनाए जा रहे हैं ताकि लोग दुकानों के सामने इन गोलों में ही खड़े हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का बकायदा पालन हो सके। कुछ लॉकडाउन में राहत दी गई है लेकिन लोगों से बार बार अपील की गई है कि इस दौरान आप नियमों का पालन जरूर करें।